सेमकॉन का वूफर है, मैंने जब उसको परचेस किया था तो उन्होंने बताया था ये सब वूफर है, तो मैंने परचेस कर लिया। तो अभी मुझे ये देखना है क्योंकि उसका जो ये कॉन है वो तो सब वूफर के जैसा दिया हुआ है, और वो सेलर ने बताया था कि सब वूफर में भी चलता है और वूफर में भी चलता है। तो मेरे पास सब वूफर के लिए कोई इनक्लोज़र नहीं था और लो फ्रीक्वेंसी को बजाने के लिए कोई एम्पलीफायर नहीं था। तो अभी मेरे पास TPA 3116 वाला एम्पलीफायर है, उसमें मैं ये लो फ्रीक्वेंसी बजा के चेक करूँगा तो पता चलेगा ये सब वूफर है और ये वूफर है, सब पता चल जाएगा। तो अभी मैं ये जो इंक्लोज़र है जिसमें मैंने फ्रेडो का सब वूफर लगाया था, उस फ्रेडो का सब वूफर निकाल के मैं उसमें अभी ये सेमकॉन का वूफर, सब वूफर जो बोलो वो, मैं उसमें लगाऊंगा और उसको चेक करेंगे कैसा परफॉर्मेंस देता है। जो वही नॉन कॉपीराइट वाला ऑन एंड ऑन वाला सॉन्ग है वो उसमें बजाएंगे तो पता चलेगा कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो जो सच क्या है और झूठ क्या है वो पता चल जाएगा। तो अभी मैं उसको बॉक्स में लगाता हूँ और उसके बाद मैं आपको उसका साउंड टेस्ट करके भी बताऊँगा उसका कौन रेगुलर जो सब ऊपर आते हैं उससे तो बहुत ज़्यादा टाइट है, बहुत ज़्यादा टाइट है कौन। तो अगर हार्ड बेस देता है तो बहुत अच्छा है मेरे लिए, तो उसके लिए दूसरा इंक्लोज़र बना देंगे। मेरे पास दो है सेमकॉन के, और पैसा भी मैंने बहुत सारा दिया था उस टाइम, बहुत सारा मीन मैंने करीबन 1700 से ज़्यादा उसका दिया था ऐसा मुझे याद है। बहुत टाइम पहले मैंने अमेजोन से ख़रीदा था, अभी तो ये मिलता नहीं है, लेकिन वो बता रहे थे ये डिजिटल ब्लास्ट डिजिटल बेस वाला सब वूफर है और वूफर है, उसमें से रेगुलर वूफर की तरह नहीं है, उसमें डिजिटल साउंड बजता है, लेकिन उसके बॉक्स पर तो कुछ डिजिटल के ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ था। इसलिए चलो अभी पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है, तो अभी उसमें फिट करके उसका साउंड बजा के चेक करते हैं। वूफर के सब वूफर के इंक्लोज़र के अंदर उसको फिट कर दिया है सेमकॉन कंपनी का, 320 वॉट का ये बताते हैं, जो मैंने पहले शुरू में वीडियो के शुरुआत मैंने आपको बता दिया। तो अभी उसमें वो कुछ ऑडियो प्ले करके आपको मैं दिखाऊंगा, उससे आइडिया आएगा कि ये सब वूफर है और वूफर है। मैं उसको, ये मेरा एम्पलीफायर है, बहुत अच्छा एम्पलीफायर है, TPA 3116D का है, काफ़ी महंगा भी है। मैं उसको 24 वॉट डीसी पर चलाता हूँ, उसको 50 वॉट और 100 वॉट सब वूफर का है, तो सब वूफर का पावर है उसके अंदर। तो उसके रिकमेंडेशन के हिसाब से ये पावर बराबर है, और ये कहीं मिलता नहीं है, ये भी आप नोट कर ले, कहीं भी ये एम्पलीफायर आपको नहीं मिलेगा, उसमें 3 कैपेसिटर लगाए हुए हैं ऐसा नहीं मिलेगा, फिर भी मेरे पास है इतना अच्छा है। तो चलो उसका टेस्ट करके मैं आपको साउंड टेस्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि रियल में ये सब वूफर है और ये वूफर है। तो अभी नेक्स्ट मैं उसका साउंड प्ले करके आपको दिखाऊंगा। अभी ये शो टाइम है, चलो उसको चालू करते हैं। मेरे ख्याल से तो 100% ये अच्छा ही वर्क करेगा, क्योंकि उसका जो कॉन है वो बहुत टाइट है, इसलिए दूसरे जो फ्रेडो का मैंने पहले लगाया था उसकी तरह फुट नहीं होगा। तो अभी उसको चालू करके अभी पता चल जाएगा। चलो
पूरा पैसा वसूल हो गया सेमकॉन का और इस इंक्लोजर का। इतना इतना हार्ड और टाइट बेस बजाता है जिसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। जरा भी वो वूफर सब वूफर जो बोले वो मूव नहीं होता जरा भी, फिर भी इतना टाइट बेस देता है कि पूरा रूम बेस से फिल आउट हो गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। वहाँ के वायर निकाल दिए हैं अभी, ये सिर्फ सब ऊपर के वायर ही लगाए हुए हैं पीछे। आपने देख लिया दोस्तों, ये ऐसा वर्क करता है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सब ऊपर बनाया है और बहुत टाइट है, बहुत टाइट है ये, इसलिए ये वाइब्रेट वाइब्रेट होता है तो बहुत ज़्यादा बेस प्रोड्यूस करता है, इसलिए अच्छा है। चलो, अच्छा लगे तो कुछ कमेंट करना। थैंक यू।